Hey everyone, welcome back to my another video. आज बहुत दिनों के बाद आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज सिखाने के लिए। तो आज हम सीखेंगे धोती के सामने जो फ्रंट प्लीट्स होते हैं वो हम सीखेंगे, और उसके बाद हम सीखेंगे जो फ्रंट प्लीट्स के साथ साथ आप स्टेप प्लीट्स भी कैसे लगा सकते। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहे थे कि ये जो फ्रंट प्लीट्स या फिर स्टेप प्लीट्स होते हैं वो कैसे करें। आज स्टेप बाय स्टेप आज हम वीडियो करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, स्किप मत कीजिए, नहीं तो आप दोबारा कमेंट करेंगे कि आप सीख नहीं पाए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल में आकर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी इंटरेस्ट और ड्रेपिंग रिलेटेड वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंचे। सबसे पहले आपको ऐसी एक धोती लेना है। बहुत लोगों को ये लगता है कि ये धोती नहीं है साड़ी है, बिल्कुल नहीं, ये धोती ही है, आपको ऑनलाइन पर अवेलेबल मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक ऐसी एक धोती लेना है, ठीक है। आज हम धोती पहनने वाले नहीं है, सामने जो प्लीट्स है वो ही सिर्फ आपको सिखाएंगे। तो पहले हम सीखेंगे जो फ्रंट प्लीट्स होते हैं वो आप कैसे करें। आप ये देखिए, आप अगर ऐसे धोती पहन रहे हो, ऐसे अगर धोती धोती को पकड़ रहे हो, तो धोती का जो ये साइड है, राइट साइड है, वो आपको कैसे प्लीट्स बनाना है। प्लीट्स बनाने का जो सही तरीका है वो बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, एक दो बार ट्राई करने पर आप इजीली कर सकते हैं। तो पहले आपको किस तरह पकड़ना है वो समझो, ठीक है। मैंने ये जो ये अंगूठा और उंगली मिला के ऐसे पकड़ लिया मैंने, और ये दो उंगली मैंने यहां पर रखा, ठीक है, यहां पर रखा, ये तीन अंगूठा उंगली मिला के यहां पर, और ये दो उंगली यहां पर, ठीक है। फिर मैंने इसको इस पकड़ लेके आया है और अंगूठा को ऊपर लेकर यहां पर फिर से दबाया है, फिर इसको दोबारा, फिर इस उंगली को दोबारा यहां पर, फिर इसको यहां पर, ऐसे करके पूरा धोती को आप ऐसे प्लीट्स बना सकते हैं। मैं दोबारा दिखा देता हूं। पहले आपको ये अंगूठा और उंगली मिला के इसको इस माथे पर ऐसे पकड़ना है, और ये दो उंगली से आपको यहां पर बीच में से लाना है, दो उंगली के बीच में इसको इस तरह करके, इस तरह करके आपको अंगूठा को यहां पर दबाना है, फिर यहां पर, फिर इस उंगली को दोबारा यहां पर रखना है, फिर इसको ऐसे करके आप पूरा फ्रंट प्लीट्स बना सकते हैं। ये बहुत इजी है, ठीक है। और एक चीज सीखेंगे हम, जो फ्रंट प्लीट्स होते हैं, फ्रंट प्लीट्स के साथ साथ आप स्टेप प्लीट्स भी कैसे लगा सकते हैं। स्टेप प्लीट्स लगाने का एक ऐसा तरीका, आप ऐसे धोती पहन रहे हो तो आपका ये जो हिस्सा है वो आपके ऊपर रहेगा, ठीक है। इसको आप दाहिने हाथ से पकड़ो, यहां पर राइट हैंड से यहां पर पकड़ो, और उसका जो निचला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा है, उसका जो नीचे वाला हिस्सा है उसको उसके आप यहां पर रखो। यहां पर पकड़ने के लिए, यहां पर पकड़ने के बाद यहां पर एक ऑलरेडी जो स्टेप है वो बन जाएगा, तो उसको आप थाई पे रखकर, यहां पर थाई पर रखकर ऐसे प्रेस कर दो। ऐसे प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप हाथ से भी प्रेस कर सकते हैं, और नहीं तो आप प्लीट्स बनाने के बाद लास्ट पर आप आयरन भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आप हाथों से प्रेस करें, और ये जो ये हिस्सा है, ये बॉर्डर है, ये लास्ट बॉर्डर है, उसके ठीक बीचों बीच दोबारा से ऐसे स्टेप लो। ये स्टेप में भी आप ऐसे प्रेस करो, फिर इस हिस्से को फिर से ऐसे लगा। तो ये हो गया और एक स्टेप। जितनी बार लोगे इतनी बार ही ऐसे ऐसे स्टेप बनाओ। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपको इजीली स्टेप प्लीज बनाना आ जाएगा। एक दो तीन बार ट्राई करने पर आपको प्लीज बनाना आ जाएगा इजीली।
ये देख सकते हैं कि जो प्लीट्स है वो बहुत ही कैसा इजी है, ये प्लीट्स देखने में कितना सुंदर भी है। अब ये देख सकते हो, देखो के प्लीट्स, इसको हम मयूर प्लीट्स भी बोलते हैं, स्टेप प्लीट्स या पर मयूर प्लीट्स भी बोलते हैं। ये सब कंप्लीट होने के बाद धोती पहनने के बाद आपको कुछ इस प्रकार दिखेगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो।